हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और हंसते रहिए, हम मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए। और ये लड्डू देखिए आज मेरे साथ है। लड्डू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। सुबह सुबह उठ गया है और मैं सुबह सुबह किचन में, तो आपकी मेरी शुरुआत चाय से होती है, तो चाय ना दिखाऊं ऐसा नहीं होता। चलिए चाय देखते हैं। ये देखिए मस्त अदरक वाली चाय धीरे 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 पक रही है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ दूध उबल रहा है। इसको दो तीन दिन से सर्दी खांसी हो रही थी, पर मुझे लगा कल थोड़ा कम है दवाई दिया तो, पर आज फिर से इसको सर्दी इतना तेज, सोर 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 सो नहीं पाया, जल्दी उड़ गया था सुबह। बताओ बताओ अपना काम क्या क्या करते हो तुम, बताओ बताओ। और इनकी पापा के तीन चार दिन से मीटिंग थी, तो आज इनको छुट्टी मिला है, तो आज ये घर पे है। पर घर पे रहना ना रहना फायदा नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। देखो इनको ये बैठे बैठे ऑर्डर करने का आदत है। देखिए मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, पूजा करने की तैयारी कर रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा भी है, बैसाखी पूर्णिमा भी है, और थोड़ा सा हवन भी करती हैं पूर्णिमा के दिन, वो सब तैयारी व्यारी कर रही है, अभी करेंगी। ये लोग का नाश्ता लग गया है, आज फ्राइडे है तो पपीता खाएंगे, और कुछ नहीं बनता है क्योंकि लहसुन प्याज का तो कुछ बनता नहीं है। सूखा रोटी ऐसे मज़ा नहीं आता, सोचते पराठा बनाऊंगी, पराठे का तो अचार चाहिए या फिर दही चाहिए, वो नहीं खा सकते आज, है कि नहीं मम्मी। तो पपीता इधर, इनका अपना मीटिंग वीटिंग चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम उधर रहता है, छुट्टी का दिन भी इनको दे दिया है। लड्डू यहाँ पर सो गया है, अब ये उठेगा तो कुछ खाएगा। मेरा भी वहाँ पे मैंने काट के रखी है। कल रात को 1 बजे मैंने मशीन पे कपड़ा डाल दिया था, तो कपड़ा अभी मैंने सुखाने पे डाल दिया है। कल और आज से धूप लगी है थोड़ा बहुत, तो सोचा चलो कपड़ा धो दिया जाए। कल रात के 12 बजे के बाद ही कपड़ा धोया था, तो सुखा दिया मैंने यहाँ पे। धूप तो लगी है हल्का हल्का। पपीता रखी है यहाँ पे और मैं खा लेती हूँ। ये देखिए मेरा लड्डू कहाँ बैठा है, सीढ़ी का एंजॉय ले रहा है मेरा लड्डू। इसको यहाँ पे अच्छा लगता है, ये यहाँ पे बैठ गया है, इसको बैठा दिए हैं। अंदर भी कितना रहेगा बच्चा ना, तो थोड़ा सा बाहर तो घूमता है, पर इसको थोड़ा सा खेलना वोलना चाहिए, तो यहाँ पे बैठा दिए है, तो यहाँ पे बैठ गया है आराम से। देखिए पैर से टीका लगा के बैठता है मेरा बेटा। ये देखिए कहाँ पकड़ रहा है, कहाँ पकड़ रहा है, ये बदमाशी करता है। इधर से ढिंगला मत खा जाना, जो दांत निकल रहा है ना चला जाएगा अंदर फिर से। जो दांत निकलने वाला है ना चला जाएगा नीचे। फिर तो बुढ़ा बच्चे का दांत फिर कब आएगा। अरे चलो मैं एप्पल देती हूँ, फिर एप्पल खाना। दादी के साथ बैठो, यहीं बैठे बैठे खाना, ठीक ठीक ठीक। खाना खिला पाएंगे, देख लिया खा जाएगा ना, पकड़ता है उसको, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना खिला। अगर डिमलिया खाएगा ना यहाँ पे जाकर टेका देता है ऐसे करके, ऐसे गिरने का जाता है ना, तो यहाँ टेका देता है ऐसे करके, तो ऐसे रहेगा यहाँ पे। मुड़ी में तो लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे बैठेगा, ऐसे 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 हाथ से। इधर डिमलिया नहीं खाएगा जल्दी, अच्छा लगता है, पकड़ा है, देखो पकड़ है, पकड़ लेता है। मेरा लड्डू, इसको पता है कि ये पकड़ने का चीज है। खूब ज्ञानी होगा मेरा बाबू, खूब ज्ञानी हो तुम। देखो यहाँ पे पकड़ लिया है, वहां पे पकड़ता है। यहाँ पे बाबू का एप्पल मैश, बाबू को नया जगह मिला है, वो खेलने में लगे हैं। दादी का जीना हराम कर दिया है, दादी यहाँ कभी वहाँ,
बाबू मेरा। पर हम लोग का यहाँ पे सीढ़ियाँ सब सफाई होती है, इसके ग्रिल सब सफाई होते, तो कोई वो नहीं है, साफ से है एकदम। बैठ गया है मेरा बाबू, खाली ये सीढ़ी साफ करने के लिए एक रखा हुआ है ना मम्मी, कोई एक काम वाली है वो आके साफ करती है सुबह सुबह, हम लोग को नहीं करना पड़ता है। हेले, आज तो तुम्हारे लिए नया नया जगह है, है? ओ क्या हो रहा है? वो अच्छा लगा रही हूँ, क्यों तुम लगाओगे? दो लगा देता हूँ। दो लगा देता हूँ। कहाँ बाबू, कहाँ, क्या हाल चाल है? बैठे बैठे दुख गया है तुतर। हाँ, कब से सीढ़ी पे तुम लोग ने बैठाया था इसको? अरे उसको नया चीज मिला था, खुश था कब से, तो मजा आ रहा था उसको। बिट्टू, बिट्टू, किशु, हे किशु, बोलो बोलो किशु। ए बाबू, कल कल जरूरत रहा हमारे खाते, छोड़ के चल जाएगी। बोलो बोलो करो किशु। बिट्टू, मम्मी पोछा लगा रही है, देखो मोटी हो गई है थोड़ा, पतली हो जाएगी और एक्सरसाइज करके। पोछा लगाना अच्छा बात है, हाँ, बैठ करके। आदमी का शरीर बेकार करता है पेट, नहीं करता है, पेट सारा सो बिगाड़ देता है। इसको पता जब होता है ना रिकॉर्ड हो रहा है, इस चुप हो जाता है, अब उसके बाद खूब खेलता है, बोलता है। बाबू, बुआ, बेटा किसका है, तुम्हारा है ना बुआ, तो तुम्हारे हरकत पे गए हैं तो क्या कर सकता है। करो मारो भी थप्पड़। हप हप ए, एक थप्पड़ दे, एक थप्पड़ दे, देखो तो चुप चुप। यहाँ पे दिन का खाना लग गया है, आज रात के जगह दिन में ही खाया जाए। इसमें है बैंगन, आलू का बचका, करेला का भुजिया, चावल और दाल। दाल को मैंने सस्पेंड पे रख दिया आज, कोई नहीं, सम टाइम चल जाता है। मम्मी बैठ गई है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी ऑफिस का काम चल रहा है इनका। कि मेरा लड्डू को जी सर सोया हुआ था, उठ गया है। अब ये भी ठीक खाना खाने टाइम पे उड़ जाता है, ये भी खाना खाएगा, खाएगा ना, खाएगा। लड्डू, ए ए बापा के पास जाके कैसे बैठा हुआ है एकदम। फोन है यहाँ पे, उसका नजर देख रहे हैं फोन पे, कितना बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा है फोन। फोन फोन, इनका बस चले फोन भी चबा जाए। लड्डू, ए लड्डू। तो गाइस, शाम को थोड़ा सा खाना वाना खा के आराम कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा मूवी देखने के लिए बैठे, मैं झूठी तुम कार ऐसा कुछ था। मूवी उतना खास तो नहीं लगा मुझे, उतना पसंद नहीं आया। आई होप किसी और, बाकी लोगों को तो पक्का पसंद आया होगा, जिनको पसंद नहीं आया, ठीक था मूवी, बोल भी तो ठीक था, टाइम पास करना था। आज आज अचानक मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनको सर्दी जुखाम उनको भी हो गया दोबारा, गले में थोड़ा टॉन्सिल जैसा हो गया है उनको, तो उनका गला दुखता है, फीवर आ गया। शाम को दवाई ववाई दिया, चाय वाई अच्छा से कड़क चाय बना के दी, उसमें सब इलायची विलायची कूट के, अदरक अदरक कूट के, गुड़ की चाय दी थोड़ा सा। तो अभी दवाई ववाई खाने के बाद थोड़ा सा आराम है, मैं लेटी हुई है, अपना कुछ ना कुछ देखती रहती हैं, भजन वजन। इधर लड्डू पापा का ड्यूटी है, बाबू को दूध पिला, ऐसे हिलाओ मत, पेट नहीं हिलेगा, उसको दूध पिला रहा है, दूध पिला रहे हैं। नहीं नहीं सुलाओ मत, अब रात को फिर नहीं सोएगा। दी ऑफिस जाना है कल, बिकॉज कल मीटिंग है ऑफिस में, तो महीने में दो बार मीटिंग होती है,
सीनियर सब आते हैं तो मीटिंग रखाया जाता है, तो कल मीटिंग है मेरी, तो कल मुझे जल्दी कल सब कुछ करके खाना वाना बना के अपना पैक करके डॉडी को पापा का पैक करके फिर निकल जाना है। आज आज तो फ्राइडे है, दिन में अच्छे से खा लेते बचका उचका बना के, तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ही सिंपल सा कुछ बना दो, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और भिंडी का भुजिया और रोटी बनाऊँगी और दूध के साथ, गुड़ अच्छे लगते हैं दूध और गुड़ ना, बस हो जाएगा। दूध तो हम लोग ऐसे पीते हैं तो सोचे चलो रोटी दूध गुड़ और भुजिया खा लेंगे आज, ज़्यादा रोटी तो नहीं बनाएंगे, दो दो तीन दिन रोटी, ये खाना था और लेट खाए थे तो इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा भिंडी आलू का भुजिया यहाँ पे मैं भूज रही हूँ, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सूखा मिर्ची है, जीरा और हींग का तड़का डाला है, ये भुजिया भूज रही हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा धनिया पाउडर छिट दिया है मैंने ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब बस ये होने वाला है, अब आटा गूंथ लेती हूँ, दूध भी तैयार है यहाँ पे मेरा। आज का शेड्यूल ऐसे रहा, तो आई होप आपको आज की वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको अच्छे लगे हमारा ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और चलते हैं, कल मिलते हैं, मम्मी जी का तबीयत कल तक ठीक हो जाएगा, मैं शाम को गई थी दवाई ववाई लेके आई, काफ़ी सारा दवाई लेके आई उनके लिए, दवाई ववाई लेके आई हूँ, तभी थोड़ा दवाई खा लेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद दवाई खाना, तो दवाई खाएंगी तो आराम करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये छोटा ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो फिर हम कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।